अब हम आते हैं एक बहुत अहम सवाल पर। अगर किसी ने अपनी बीवी को तीसरा तलाक दे दिया तो उसके बाद उसकी बीवी उसके लिए हलाल नहीं है, अब वो रुजू नहीं कर सकता, अब वो जाकर फिर से निकाह या शादी नहीं कर सकता, तो लोगों ने एक सिस्टम बनाया है, एक बात माशरे में निकल चुकी है और इस बात को यहां तक कि टीवी के न्यूज चैनल्स ने भी कैच करके आम मीडिया में, आम तौर पर दुनिया के लोगों में ये बात मशहूर भी कर दी कि मुसलमानों में ये चीज चलती है जिसे लोग कहते हैं हलाला। सही बात क्या है? हम देखते हैं इस्लाम ने यह सिखाया कि अगर एक शख्स, या हमारी मिसाल के अंदर इमरान ने अगर सलमा को 3 बार तलाक कह दिया, अब उसके पास रुजू का हक नहीं है। अब सलमा क्या करेगी? वो किसी और से शादी करेगी। वो किसी और से जब शादी करती है, अगर ऐसा हो जाए कि उसके जो सेकंड हस्बैंड है उनका इंतकाल हो गया, या मान लीजिए उस सेकंड शौहर ने भी एक दिन जाकर उसे तलाक दे दिया और तलाक का वही तरीका है जो हमने अभी तक देखा, तो इस दूसरे शौहर से तलाक मिलने के बाद या उसके इंतकाल के बाद इस्लाम ने बताया है कि फिर जिंदगी में गुंजाइश है कि उसके जो पहले शौहर थे वो उसे निकाह का प्रपोजल भेज सकते हैं। कुरान की आयत है सूरह बकरा में, सूरह नंबर 2 आयत नंबर 230, फइन तल्लकहा फला तहिल्लु लहू मिन बादु हत्ता तंकिहा ज़ौजन गैरह। अगर वो अपनी बीवी को तलाक दे तीसरी बार तो वो उसकी बीवी उसके लिए हलाल नहीं है, हत्ता तंकिहा ज़ौजन गैरह, यहां तक कि वो उसके सिवा किसी और से शादी करे। फइन तल्लकहा, अगर वो दूसरा शोहर भी उसे आगे जाकर तलाक दे देता है, फला जुनाह अलैहिमा, तो दोनों पर कोई गुनाह नहीं है, कोई जुर्म नहीं है, कोई दोष नहीं है, अय्यतराजा इन जन्ना युकीमा हुदूद अल्लाह, वो दोनों के दोनों एक दूसरे के पास वापस लौट जाए अगर उन्हें लगता है कि वो अल्लाह की कायम की हुई हदों को बाकी रख सकते हैं। लेकिन इस जेन्युइन निकाह के सामने एक बोगस चीज है जो लोगों ने बनाया जिसे कहते हैं हलाला। हलाला क्या है? एक डमी पर्सन को लाया जाता है जो एक प्लान्ड तौर पर शादी करता है, चंद दिनों की शादी, इस वादे के साथ कि मैं थोड़े दिनों के लिए शादी कर रहा हूं, उसके बाद मैं तलाक दे दूंगा। तो क्या इस्लाम ने हलाला करना सिखाया? हलाला सिखाया नहीं इस्लाम ने, उल्टा हलाला के खिलाफ तालीमात सिखाई। सुनन अबू दाऊद में सही सनद से हदीस है, लान अल्लाहुल मुहल्लिल वल मुहल्लल लहू, अल्लाह की लानत है मुहल्लिल पर वल मुहल्लल लहू, जो हलाला करने वाला है और जिसके लिए हलाला किया जाता है, क्योंकि ये एक डमी निकाह है, बोगस निकाह है, अल्लाह की सजा है ऐसी चीज करने वाले पर और कराने वाले पर। दूसरी बात यह है, हलाला एक टेम्पररी मैरिज है, एक वक्ती तौर पर की हुई शादी है। सही मुस्लिम में हदीस मौजूद है, अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आता है, अन्न रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहा अनिल मुता, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हराम किया, प्रोहिबिट किया मुता मैरिज। मुता मैरिज क्या है? एक टेम्पररी मैरिज है, वक्ती तौर पर की हुई शादी है कि इतने दिनों के लिए मैं शादी कर रहा हूं। इस किस्म की शादी को मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने प्रोहिबिट किया, मना किया, हराम किया। وقال الا انها حرام من يومكم هذا الى يوم القيامه, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ شادی حرام ہے اس دن سے لے کر قیامت کے دن تک۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ حلالہ شادی ایک ٹیمپرری شادی ہوتی ہے, ایک جینوئن شادی نہیں ہوتی ہے, تو اس وجہ سے بھی یہ شادی حرام ہے۔ مصنف عبد الرزاق میں آپ کو نریشن ملے گا, روایت ملے گی عمر رضی اللہ عنہ سے, والله لا اوتي بمحلل والمحلل له الا رجمتهما, اللہ کی قسم اگر میرے پاس کوئی حلالہ کرنے والا اور کرانے والا لایا گیا, میں دونوں کے دونوں کو پتھر مار مار کے سنسار کرنے کی سزا دوں گا۔ مستدرک حاکم میں صحیح سند سے حدیث ہے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے, اگر اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کوئی ایسا کام کرتا تو ہم اسے زنا ہی سمجھتے ہیں۔ تو آئیے یہ دونوں شادیوں میں, ایک جینوئن شادی اور حلالہ شادی میں ہم لوگ تھوڑے فرق دیکھ لیتے ہیں۔ پہلا فرق یہ ہے کہ ایک جینوئن شادی ٹائم باؤنڈ نہیں ہوتی, وہ ہمیشہ کے لیے ہوتی ہے, وہ خوشی کے لیے رہتی ہے, ساتھ میں زندگی گزارنے کے ارادے کے ساتھ ہوتی ہے۔
लेकिन हलाला शादी इस मकसद के लिए नहीं होती, वो टाइम बाउंड होती है, इस वजह से वो हराम है, इस वजह से वो वैलिड नहीं है, जायज नहीं है। दूसरी चीज, एक जेन्युइन शादी ओपन होती है, अनाउंस्ड होती है, उसका ऐलान किया जाता है, लेकिन एक हलाला शादी सीक्रेट होती है, छुपा छुपा के की जाती है। यहां तक कि अगर कोई बच्चा पैदा हो जाए तो उसके वालिद का नाम भी उसे ओपनली बताया नहीं जाता। तीसरा फर्क, जेन्युइन शादी में खुशी होती है, मुबारकबादी होती है, लेकिन हलाला किस्म की चीजों में गम होता है, एक दुख होता है, क्योंकि गुनाह का काम है, तकलीफ होती है, उसमें कोई खुशी नहीं होती। क्या आपने कभी किसी हलाला शादी के वलीमे की दावत खाई है? चौथा फर्क, एक जेन्युइन शादी में अल्लाह की मदद होती है, इनाम होता है, अजर मिलता है, और हलाला लानत है, एक ऐसी चीज है जो हलाला नहीं है बल्कि हरामा है, एक गुनाह है, सजा है अल्लाह की तरफ से उसके लिए। और पांचवी और सबसे बुनियादी चीज, कि एक जेन्युइन शादी हकीकत में एक जेन्युइन होती है, मतलब उसके अंदर सिंसियरिटी होती है, और एक हलाला शादी बोगस शादी है। आइए इसका नतीजा क्या होता है देखते हैं। हम देखते हैं कि अगर इमरान ने अपनी बीवी सलमा को 3 तलाक दे दिया, और अगर नऊज़ुबिल्ला, अल्लाह की पनाह, अल्लाह मुस्तान, अगर नऊज़ुबिल्ला कोई हलाला किस्म का काम किया जाए, अगर सलमा के साथ कोई हलाला करता, तो वो हलाला शादी शादी नहीं थी, वो जिना था, जिना था। और क्या वो अपने पिछले शौहर के लिए हलाल हुई जिना करने के बाद? तो नहीं, वो हलाल भी नहीं। अल्लाह के दीन की दावत और लोगों तक पहुंचाने के लिए इस वीडियो को जरूर लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करें। आपके इस चैनल को और बेहतर बनाने के लिए आपका साथ जरूरी है। iPlus TV, बेहतर जिंदगी के लिए। अपने केबल या DTH ऑपरेटर से iPlus TV आज ही डिमांड करें। iPlus TV फ्री टू एयर और इंडियन रजिस्टर्ड चैनल है।